यहाँ से पानी फेंकेगा, देखो इधर लाओ जल्दी ला के दिखाओ, इस तरह से ये पानी फेंकेगा एकदम लाइव चलता हुआ, मैं दिखा रहा हूँ डीवाटरी पंप की वीडियो एकदम फर्स्ट टाइम में डाल रहा हूँ। इसे ढीला करके इधर की तरफ इसे निकाल दीजिए और इसको उठा के देखिए क्या है, ये इसकी प्लेट बहुत हैवी है, इसमें वजन भी है बहुत सारा, ये देखिए इसमें हमने पानी भर रखा है। सपोज कीजिए हमारा यहाँ स्लैब डल गया है, अब हम इससे क्या है मजदूर कितने होते हैं फंटी लेके बराबर करते हैं या प्लास्टर करते हैं, उनके ये नाखून खराब हो जाते हैं, काम में भी बहुत लेट होता है और जान माल देखिए। रोड बना रहे हो, आरसीसी का फील्ड बना रहे हो या आपकी फैक्ट्री कोई बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप पानी निकाल के जल्दी से जल्दी इसको सेट कर सकेगा, तो इसको ये पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है एकदम। इसको को डिवाइडिंग पंप मशीन में हमने कनेक्ट कर दिया है और पानी के पाइप को लगा दिया है, इसका जो पानी खींचने वाला है इंटरनल है वो खींच के एक्सटर्नल बाहर पानी फेंक रहा है, देखिए किस तरह से पानी को ताजी ताजी कंक्रीट में ही अगर आप कंक्रीट कटर से इसे काट लेंगे तो ब्लेडें कम लगेगी, तो देख पा रहे होंगे ये ग्रुप कटिंग की जाती है जिससे क्या है भूकंप में या हिलता है तो ये दरारें नहीं आती है, कोई भारी चीज़ गिरता है तो जल्दी फटता नहीं है टूटता नहीं है फर्श, इसके लिए ग्रुप दे रहे। दोस्तों मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी आपसे मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, एक्साइटेड हो जाइए, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ सिविल कंस्ट्रक्शन से लेके, या अगर आप वैक्यूम पंप इस्तेमाल करना चाहते हैं या डीवाटरिंग का काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आरसीसी का रोड बना रहे हों और वो जल्दी से आपको उसके अंदर से पानी निकाल के जल्दी से उसको फिट करना है तो उसके लिए मशीन लेके आया हूँ, सॉल्यूशन लेके आया हूँ, देख पा रहे होंगे डीवाटरिंग पंप मशीन, जिसके बारे में पूरे डिटेल से जानकारी दूंगा और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसकी पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हरि का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप देख पा रहे होंगे डीवाटरिंग से लेके सारी मशीनें हैं हमारे पास, ये पावर ट्रोवल है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में, स्क्रीड वाइब्रेटर है पेट्रोल इंजन के साथ में, साथ में मोटर वाला भी आता है और रोड वाइब्रेटर है इलेक्ट्रिक वाइब्रेट मोटर के साथ में जो यहाँ लग जाएगा, अभी हमने मोटर लगाया नहीं है। और ये जो सबसे यूनिक चीज़ है जो मैं दिखा रहा था आप देख पा रहे होंगे डीवाटरिंग पंप, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चारों तरफ से दिखाओ मशीन को एकदम सही से, ये देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक आउटपुट और एक इनपुट पाइप होता है जो कि पानी को खींच के इसके अंदर से और फिर बाहर करता है, और एकदम आपकी मैं एकदम लाइव चलती हुई वीडियो डालूंगा इसके अंदर कि किस तरह से ये वर्क होता है। ये डीवाटरिंग पंप है, इसको खोल के मैं दिखाता हूँ आपको इसके अंदर क्या है, ये ऊपर का ढक्कन है, इसको हमें क्या है ढीला करना है इस तरह से, ये ढीला करके और ये इधर की तरफ ये निकल गया, इसे ढीला करके इधर की तरफ इसे निकाल दीजिए और इसको उठा के देखिए क्या है, ये इसकी प्लेट बहुत हैवी है, इसमें वजन भी है बहुत सारा, ये देखिए इसमें हमने पानी भर रखा है और इसके अंदर देखिए क्या है, ये देखिए इसके अंदर क्या है, ये एक ये रबड़ की पैकिंग है जो इसके अंदर चलती है और दूसरा इसके अंदर मोटर लगी हुई है, अंदर मोटर दिखा दो, 7.5 HP की 3 फेज की मोटर होती है, इसके अंदर पानी है, एक इसके अंदर इनपुट का है और आउटपुट का, यानी ये कंक्रीट में से ये पानी खींचेगी और फिर ये पानी फेंक देगी, यानी कंक्रीट जल्दी सूख जाएगी जल्दी सेट हो जाएगी उसके लिए यूज होती है। उसके लिए क्या है फिर ये मैट आते हैं, जैसे ये नेट वाला मैट है, दिखाओ एक मैट बिछा के दिखाओ, यहाँ पे इस सामने बिछाओ, वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो बीच में ही सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ऐसी नॉलेज सिर्फ मशीन वाला ही देगा, नई नए सिविल लाइन से लेकर हर चीज़ों का। देखिए ये हर तरह के ये नेट है, इसको आप क्या करते हैं सपोज कीजिए ये आरसीसी का रोड बन रहा है आपका, उस पर आपने स्लैब डाला बराबर कर दिया, बराबर करने के बाद ये नेट उसके ऊपर बिछाया जाता है, उसके बाद एक इसका और मैट ये बिछाया जाता है, ये भी मैट निकालो दूसरा वाला, दूसरा वाला भी मैट निकालो, इसका पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगा किस तरीके से है, ये निकालो उसे भी फैलाओ, ये देख पा रहे होंगे ये इसके ऊपर से डाला जाता है, वो पहले इसलिए लगाया जाता है कि ये उसके अंदर चिपके ना और बीच में गैप बना के रखे जिससे ये डीवाटरिंग कर सके, ये पानी को खींच ले। देखिए ये किस तरह सा ब्लू कलर का मैट है, पूरा लंबा करो देखिए,
ये देखिए, ये पूरा मैट है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक छेद करा जाएगा, छेद करके और एक निप्पल लगाया जाएगा और वो पाइप उसके अंदर बीच में आप लाइव दिखाऊंगा मैं साइड पे एकदम आपको। आज मैं सिविल इंजीनियर बना के रहूंगा, देख पा रहे होंगे जब भी आरसीसी की रोड बनाई जाती है तो यही प्रोसेस होता है। कंक्रीट पहले ही बिछा दी जा चुकी है, बराबर करके वाइब्रेटर चलाया जा रहा है इससे कि एकदम लेवल में आ जाएगा और ऊपर पानी छोड़ रहा है, पानी छोड़ रहा है, उस पानी को निकाला जाएगा जल्दी से। तो ये एकदम रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर क्या है, जो ये मेट है, ये इस पे लोअर मेट होता है जिसमें नेट होती है, देख पा रहे होंगे किस तरह से नेट है, ये लोअर मेट है और ये ऊपर वाला जो है अपर मेट कहते हैं। लोअर मेट का क्या है, नेट होता है, उसमें मोटी मोटी जाली होती है जो कि उसके ऊपर पानी को इकट्ठा कर लेती है, और अपर मेट क्या है, सब पानी को एकदम चारों तरफ उसमें चिपक के खींच लेती है। तो एकदम लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा साइड पे आपको, देखिए किस तरह से लोअर मेट नीचे बिछाई जाएगी इस पे। ये देखिए ये लोअर मेट वो किस तरह से नीचे बिछाया जा रहा है और बिछा के इसके ऊपर अपर मेट बिछाया जाएगा। ये लोअर मेट में देखिए जाली होती है, उसके अंदर हल्का सा, उसके अंदर वो जो ऊपर हल्का सा रेत होता है, उस रेत जो होता है उसके ऊपर वो आके पानी को इकट्ठा करता है। और ये देखिए किस तरह से लोअर मेट को बिछाया जाता है, एकदम ये लाइव प्रोसेस देख के आप भी डिवाइडरिंग का काम बहुत अच्छी आसानी से कर सकते हैं। आरसीसी की रोड बना रहे हो, आरसीसी का फील्ड बना रहे हो या आपकी फैक्ट्री कोई बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप पानी निकाल के जल्दी से जल्दी इसको सेट कर सकते हैं और आपके काम में बहुत ही ग्रोथ आएगा और बहुत ही क्वालिटी अच्छी आएगी। ये देखिए, देख पा रहे होंगे आपकी किस तरह से ये लोअर मेट बिछा दिया गया है और इसके ऊपर ये अपर मेट बिछाया जा रहा है। अपर मेट अभी ये नया नया है इसलिए डायरेक्ट ऐसे ही बिछाया जा रहा, नहीं तो दोनों तरफ किनारे क्या है आप पाइप लगा सकते हैं जिससे कि उसको बिछाने में आसानी रहती है। तो इस तरह से इसको अपर मेट को बिछा दिया गया, देखिए एकदम वहां तक, और जितनी दूरी में ये रहेगा उतनी दूरी का पानी एकदम आसानी से खींच लेगा। तो इसको ये पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज है, एकदम इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है सिविल इंजीनियर्स को। अगर आप सिविल इंजीनियर से तो आपको सब पता है, अगर नहीं है तो आप बन जाएंगे एकदम मशीन वाला। संजीव कुमार के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो देखते ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही खुशी मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे अपर मेट में बीच में क्या है, हमने वो लगा रखा है, एक निप्पल लगा रखा है, उस निप्पल को डिवाइडरिंग पंप मशीन में हमने कनेक्ट कर दिया है और पानी के पाइप को लगा दिया है। इसका जो पानी खींचने वाला है इंटरनल है, वो खींच के एक्सटर्नल बाहर पानी फेंक रहा है, देखिए किस तरह से पानी को फेंक रहा है और एकदम उसको फिल्टर करके खींचता है, क्योंकि ऊपर ऊपर पानी तैरने लग जाता है इसकी वजह से ये पानी को खींच लेता है। जो बीच में पाइप लगाया गया है अपर मेट में, ऊपर की जो चटाई कह लो आप हिंदी में, मैं अपर मेट और लोअर मेट जो कह रहा हूँ इंग्लिश का वर्ड है, तो अपर मेट में जो लगाया गया है, देखिए ये आगे का प्रोसेस हो जाता है तो फिर दोबारा वहाँ से हटा के अगले नेक्स्ट लेवल पे लगाया जा रहा है। तो मैं बता रहा था जो अपर मैट होती है इसके अंदर, ऊपर की मैट में क्या है, जो बीच में ये निप्पल लगाई गई है, देखिए इसमें किस तरह से पाइप लगा हुआ है इस वाली मैट में, जो मैं आपको बता रहा था, इससे क्या है इसको फैलाने में आसानी रहती है और उससे क्या है फटाफट ज़्यादा ख़राब नहीं होता है जो अपर मैट है, यानी ऊपर का जो तिरपाल है या ऊपर की जो चटाई है। तो जो वो ऊपर एक निप्पल लगाया है, आपने देखा होगा पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी में जब हम निप्पल फिट करते हैं तो उसके साथ फ्लेंच वगैरह सब आते हैं, तो उसी तरह का फ्लेंच बना के आप इसमें कस सकते हैं और कस के वहाँ पे बीच में लगा के और एक निप्पल लगा के पाइप को लगा देंगे तो ये पानी आसानी से खींच लेगा। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी, अभी आगे और अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो भी बताऊंगा डिटेल में, वीडियो के लास्ट तक बन रही है। इन मशीनों की एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आपके पास मैट ज़्यादा है तो ऑलरेडी बिछा के रखिए, पर ये ज़्यादा महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं तो ज़रूरत नहीं है। जब आप इतने दूर की पानी खींच लेंगे तो बाकी पे क्या है फ्लोटर चलाते हैं या ट्रीमिक्स चलाते हैं, ये ट्रीमिक्स का भी वर्क करता है एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके। तो इस तरह से जब स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा तो हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और जितनी लंबी है वैसे ये साइज अच्छा देते हैं हम मैट के साथ में, जो कम से कम 15 फुट बाई 15 फुट का होता है या 12 फुट बाई 15 फुट का होता है, जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके का ये मेट आ जाता है। जो स्टैंडर्ड साइज है इसका 12 फुट बाई 15 फुट का आता है। तो देखिए किस तरह से इसको एकदम बिछा दिया गया है और इसके अंदर से पानी खींचने का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए।
आप देख पा रहे होंगे इसको इस तरह करने से आपने देखा होगा कि सब पानी नीचे ही नीचे अंदर एक जगह जमा होता है और ये खींच लेता है एकदम अपनी तरफ पानी खींच लेता है। जो नीचे का लोअर मेट था, जो नेट की जालियाँ थी उसके अंदर नीचे की चटाई थी, उसमें आपने देखा कि प्लास्टिक की मोटी मोटी जाली होती है, वो जब हम स्लैब पे डालते हैं तो ये स्लैब पे ऊपर हल्का सा पानी होता है, उसने ही लेवल में वो ज़्यादा नीचे नहीं बैठता, ऊपर ही ऊपर रह जाता है। और पानी को क्या है, जब खींचते हैं तो उसके अंदर जगह देता है, इसके अंदर सीमेंट या ये क्या है रेत वगैरह नहीं खींच पाता है। पर इसके अंदर जो इसका डिवाटरी पंप है वो बहुत ही हैवी पंप होता है कि अगर थोड़ी बहुत रेत वेत जाती है तो उसके अंदर वो चला जाता है, यानी जल्दी वो पंप ख़राब नहीं होता है। अगर जो आम घरों में इस्तेमाल होती है वो पंप इस्तेमाल करेंगे खींचने के लिए तो वो वर्क नहीं करेगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर वो बहुत ही हैवी पंप होता है और उसके अंदर ज़्यादा हैवी उसकी जालियाँ होती हैं, उसका पंखा होता है, इसलिए वो खींच लेता है। तो इस तरह का प्रोसेस है, आपको देखिए किस तरह से इस प्रोसेस को अपना के और बढ़ाते जाना है और ये आपको लगाते जाना है। देखिए एकदम लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ साइड की, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी इसमें आपको। ये होने के बाद क्या है, देखिए हार्डनर छिड़कते हैं हम इसके ऊपर, ये हार्डनर आता है एक तरह का सीमेंटी होता है पर इसके अंदर हल्के हल्के दाने होते हैं, इसको छिड़कने के बाद थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है और ये जो बच्चा कुचा पानी रहता है उसे भी सोख लेता है और बहुत अच्छी पकड़ करता है उसके अंदर स्लैब के अंदर। तो ये देखिए हार्डनर को छिड़का जाएगा एकदम चारों तरफ बेहतरीन तरीके से, हार्डनर छिड़का जाएगा पानी को खींचने के बाद, या आप इसी करनी से छिड़क सकते हैं। देखिए किस तरह से ये इंजीनियर छिड़क रहे हैं और इस तरह से बराबर छिड़कने के बाद इसके ऊपर हम फ्लोटर चलाएंगे जिसे ट्रीमिक्स कहते हैं। इसको चारों तरफ बेहतरीन तरीके से अच्छे कारीगर से छिड़कवाना चाहिए और ये बराबर लेवल में एकदम बेहतरीन कहीं छूटे ना, इससे क्या है स्लेब में या आरसीसी रोड में बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। अब देखिए ट्रीमिक्स इधर लग रहा है, देख पा रहे होंगे फ्लोटर, इसको छिड़कने के बाद ये फ्लोटर लगाया जाता है। ये प्रोसेस क्या है, अगर आप डिवाटरी पानी वो पंप से यूज करके लोअर मेट अपर मेट से आप पानी निकाल लेते हैं तो ये तुरंत चालू होता है, नहीं तो आपको 3 घंटे 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है जब पानी सूख जाता है, जब ये मशीन चलानी पड़ती है। अब देखिए 4 घंटे का टाइम बच गया आपका और इसके अंदर स्लेब में क्वालिटी भी आ गई इस पंप की वजह से। तो टेक्नोलॉजी हमेशा इस्तेमाल करते जाइए। देखिए किस तरह से जाल एकदम बिछाई गई है और ये अंदर का फर्श डल रहा है फैक्ट्री का, अंदर की फर्श डल रहा है फैक्ट्री का। इसको चलाने के ये इलेक्ट्रिक मोटर में भी आता है पावर ट्रोवल और पेट्रोल में भी आता है, इसको बेहतरीन तरीके से चलाया जाता है। इसको अगर आप क्या मिरर शाइनिंग लाना चाहते हैं तो इसके अंदर फनर होते हैं जो इसके नहला कहते हैं, उसको नहले पे भी चलाएंगे तो मिरर शाइनिंग आएंगी। अभी पर ये तवे पे चल रहा है, तवे पे इससे लेवल हो जाएगा, बहुत अच्छा बराबर हो जाएगा और एकदम आराम आराम से इसको चलाया जाता है। सिविल इंजीनियर्स को सारी नॉलेज होती है इसकी कि कितने ग्रेड पे कितने पे इसको चलाना है तो कितनी हार्डनेस आएगी और कैसे कैसे करके इसके प्रोसेस पूरी डिटेल में उनको नॉलेज होती है। कृपया आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर कोई ऐसी गलती हुई तो मुझे क्षमा कर देना, कोई नॉलेज अचूक हो तो उसको प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट करके बताना। तो देख पा रहे होंगे ये अब इंजन वाला ट्रीमिक्स कैसे चल रहा है, हार्डनर छिड़क के सेकेंड प्रोसेस चल रहा है और इसको बराबर करने के बाद क्या है, ताजी ताजी कंक्रीट में ही अगर आप कंक्रीट कटर से इसे काट लेंगे तो ब्लेडें कम लगेगी। तो देख पा रहे होंगे ये ग्रुप कटिंग की जाती है जिससे क्या है भूकंप में या हिलता है तो ये दरारें नहीं आती है, कोई भारी चीज़ गिरता है तो जल्दी फटता नहीं है, टूटता नहीं है फर्श, इसके लिए ग्रुप कटिंग की जाती है और इसके डिजाइन जहाँ जहाँ चैनल लगाए जाते हैं वहाँ की जाती हैं। इसके कई सारे प्रोसेस है, एकदम वीडियो के लास्ट तक बने रहने की बहुत धन्यवाद। प्रोसेस है और इस तरह से निकलेगा, इसका यही काम है डिवाटरिंग का। ये पाइप उधर ले जाओ जरा, उसमें टंकी में लगाओ और इसको चालू करो, पहले इसका ये कस दो, पहले हम इसका ये ढक्कन कस देते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये इसमें थोड़ी सी भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, फुल टाइट करना होता है। लगाओ बस बस ऊपर दबाओ इधर को, हाँ टाइट कर दो आप, ये फुल टाइट कर दो एकदम खींच के जितनी टाइट हो जाए पानी। बस मशीन वाला संजीव कुमार को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मुझे इस पर एक मशीन चाहिए, इस पर एक वीडियो चाहिए, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा क्योंकि आपका प्रेम जो मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत ही हृदय से कृतज्ञ हूँ। मेरे चैनल को देखते ही लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए। देख पा रहे होंगे डिवाटरी पंप चारों तरफ से दिखाओ, इसका लाइट अभी चालू हो रहा है, मैं दिखाऊंगा किस तरह से ये पानी को निचोड़ता है और कैसे करता है। पंप बहुत ही हैवी ड्यूटी में होता है इसका, इसलिए वो
पूरे कंक्रीट में से पानी खींच लेता है। किस तरह से वर्क करती है देखिए, हमने यहाँ पे इसका स्टार्टर लगा रखा है। अगर ये नीचे लाना हो तो हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, देखो ये बंद, जूम करके दिखाना, ये बंद रहेगा, कोई स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये बंद है। अब हम देखिए इसको दबाएंगे तो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते ही ये पानी खींचेगा, यहाँ से पानी फेंकेगा, देखो इधर लाओ जल्दी ला के दिखाओ, इस तरह से ये पानी फेंकेगा एकदम लाइव चलता हुआ। मैं दिखा रहा हूँ डीवाटरी पंप की वीडियो एकदम फर्स्ट टाइम मैं डाल रहा हूँ, इसको चारों तरफ से घुमा के दिखाओ एकदम बेहतरीन कि किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पे एक प्रेशर मीटर लगा हुआ है, प्रेशर मीटर से क्या है इसके अंदर बताएगा कितना प्रेशर है। अभी हमने जो पानी लगा रखा है वो डायरेक्ट टंकी में से लगा रखा है तो पानी ऑटोमेटिक आ रहा है, जब पानी ऑटोमेटिक नहीं आता है तो वहाँ प्रेशर भी दिखाता है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने बंद कर दिया, बंद कर दो नल, बंद कर दो इसका। तो इस तरह से ये चलती है, देख रही है, रोड वाइब्रेटर है, ये किस तरह से वर्क करता है। रोड पे हम रख देते हैं, उसके बाद इसको बराबर करते जाते हैं एकदम रोड को। एकदम बहुत ही वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन है। और उधर खींचो बाद, अब मैं इस पर खड़ा भी होता हूँ, देखिए मुझे भी लेके चलेगा, गुदगुदी सी हो रही है, देखिए एकदम वाइब्रेशन कर रहा है, गिला के रख दे रहा है, इतनी हार्ड वाइब्रेशन है। बंद कर दो इसे, बंद कर दो। ये स्क्रीड वाइब्रेटर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको मैं चालू करके भी दिखाऊंगा आपको, ये देखिए चालू हो गया। और इसको आराम आराम से इधर खींचते रहिए, कम कर दीजिए, यानी जितनी स्पीड करते हैं उतना ज़्यादा वाइब्रेशन करता है और ये रोड के काम आता है। इनकी एक एक पॉइंट पे मैं जानकारी दूंगा एकदम लाइव साइड पे। सपोज कीजिए हमारा यहाँ स्लैब डल गया है, अब हम इससे क्या है, मजदूर कितने होते हैं फंटी लेके बराबर करते हैं या प्लास्टर करते हैं, उनके ये नाखून खराब हो जाते हैं, काम में भी बहुत लेट होता है और जान माल का नुकसान होता है। पर ये मशीन जो आ गई स्क्रीड वाइब्रेटर, आप लेंटर छत डाल रहे हो, आरसीसी का रोड बना रहे हो या किसी तरह का भी स्लेब आपको एकदम बराबर करना है प्लास्टर करके, तो ये बहुत अच्छी मशीन है। देखिए चालू है इसका, जैसे ही स्लेटर हम तेज करेंगे ये वाइब्रेशन करेगी हाई, इस तरह से खींचते जाइए और यहाँ लाल बटन है बंद कर दीजिए, उधर से पीस बराबर होता है। अब ये रोड वाइब्रेटर है, ये चलता रहेगा इसका, फिर उसके बाद ये फ्लोटर यूज होगा और उसके साथ फिर ये मैट लगा के वो सारा वो कर दिया जाता है। हौसले एकदम बुलंद रखिए, जो भी चीज़ की परेशानी है अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए और काम को करते रहिए। खाली बैठने से अच्छा है कुछ तो शुरुआत करना चाहिए। तो आपके पास यहाँ मशीन वाले प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी मशीनरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बस मशीन वाला का ही मशीनें ले लेके आप अपनी बिजनेस करेंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अच्छे अच्छे बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं और उसके आइडियाज़ बताते हैं। तो कैसी लगी ये डिवाइटरी पंप की मशीन, और कैसा लगा ये स्क्रीड वाइब्रेटर, और कैसा लगा ये बड़ा स्क्रीड वाइब्रेटर और ये पावर ट्रॉवल और ये इसका मैट, मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं। और किस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार, जय श्री कृष्ण राधे।